यदि अभी तक आपने मुझे अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर भी DSSB, KVS, CTET, UPTET, HTET और हर स्टेट के लिए जितने भी टेट हैं उनके लिए क्वालिटेटिव कोर्स तैयार कर रहा हूँ। और सबके सब लेक्चर आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, चाहे वो साइकोलॉजी का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे NCERT सीरीज हो, सबके सब आपको प्रोवाइड होंगे। तो जिस तरह आपने मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट किया है उसी तरह आप मुझे अनअकैडमी पर सपोर्ट कीजिए। वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के लेक्चर नंबर 2 पर। इससे पहले लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं अपना, और ये वाले क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम KVS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि KVS ने साफ मेंशन कर रखा है कि आपको करंट अफेयर्स दिया जाएगा। और TGT के लिए खास है, क्योंकि TGT में 40 नंबर का GK दिया गया है जिसमें करंट अफेयर्स को काफ़ी महत्व दिया गया। लास्ट ईयर 40 के 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का कहता है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, इज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है कि व्यवसाय करने में कितनी कुशलता है, ये होता है इज ऑफ डूइंग। अब ये पूरे वर्ल्ड पर निकाला है, पहले इससे पहले इंडिया पर निकाला था। कौन सी स्टेट इज ऑफ डूइंग में बेस्ट थी? तो तमिलनाडु और जो तेलंगाना थी बेस्ट थी। ठीक है, इज ऑफ डूइंग में देखते हैं 2019 के अनुसार क्या सत्य है। तो यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये पूरे वर्ल्ड पर विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक में भारत की रैंकिंग 77 थी, बिल्कुल करेक्ट है। सूचकांक में रैंकिंग सिंगापुर को प्रथम प्राप्त हुई थी, ये वाला गलत है, क्योंकि जो पहली रैंकिंग थी वो थी न्यूजीलैंड की। किसकी? न्यूजीलैंड की। सेकंड जो रैंकिंग थी वो थी सिंगापुर की। जो थर्ड रैंकिंग थी स्टूडेंट, वो थर्ड रैंकिंग थी स्टूडेंट हमारी किसकी? डेनमार्क की। और जो फोर्थ रैंकिंग थी वो थी किसकी? वो थी हांगकांग की। तो ये थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल अनकरेक्ट है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ये दोनों क्वेश्चन ही सत्य है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ। और इसमें एक बात और है, लास्ट ईयर जो इंडिया की रैंकिंग थी वो थी 100, अब जो रैंकिंग है वो 77। तो इंडिया ने जो अपनी रैंकिंग में सुधार किया है वो किया है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को केवड़िया में सरदार पटेल की विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो आपको पता है कि ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बना रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा गया है, और ये गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में बनाई जा रही है। इसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर। कितनी? 182 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा गया किसको? इस मूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह है 2018, सतर्कता जागरूकता सप्ताह है 2018 की अवधि क्या है? तो इसकी जो अवधि है वो है 29 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक। कितनी? 29 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो जागरूकता सप्ताह है मना रहे हैं सतर्कता, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है भ्रष्टाचार उन्मूलन, नए भारत का निर्माण। भ्रष्टाचार उन्मूलन, नए भारत का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्वच्छ मेगा फूड पार्क, सर्वाधिक स्वच्छ मेगा फूड पार्क का पुरस्कार किस मेगा फूड पार्क को प्रदान किया गया है? सर्वाधिक स्वच्छ मेगा फूड पार्क का पुरस्कार किस मेगा फूड पार्क को प्रदान किया गया है? तो यह किया गया पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क को। किसको? पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क को यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? सर्वाधिक स्वच्छ मेगा फूड पार्क का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक मृदा बायोडाइवर्सिटी एटलस, वैश्विक मृदा बायोडाइवर्सिटी एटलस किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा। कौन सा? वैश्विक मृदा बायोडाइवर्सिटी एटलस किसके द्वारा जारी किया गया है? ये किया गया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति के लिए विश्व वन्य जीव कोष की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार विगत 44 वर्षों में 1970 से लेकर 2014 में किशोर की प्रजातियों की संख्या में कितनी गिरावट आई है? तो देखिए, 44 वर्षों में, कौन से? 1970 से लेकर 2014 तक 44 वर्षों के अंतर्गत किशोरों की प्रजातियों की संख्या में कितनी गिरावट आई है? वो गिरावट आई है 60%। कितनी? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के पार्क सोलर प्रोब ने, कौन सा है? नासा के पार्क सोलर प्रोब ने
29 अक्टूबर 2018 को मानव निर्मित किसी वस्तु को सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक पहुंचने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो देखिए, एक सूर्य है, इससे पहले सबसे नज़दीक कोई चीज़ पहुंची थी, वो पहुंची थी हेलियस टू। कौन सी? हेलियस टू, जो सर्वाधिक नज़दीक पहुंच गई थी। लेकिन उससे भी नज़दीक पहुंचने का जो रिकॉर्ड बनाया है, वो बनाया है पार्क सोलर प्रोब ने। कौन सा? पार्क सोलर प्रोब ने ये रिकॉर्ड बनाया सूर्य के नज़दीक पहुंचने का। इससे पहले कौन था? हेलियस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2018 को बिटकॉइन नामक वर्चुअल करेंसी 10 वर्ष का हो गया है। कौन सा? बिटकॉइन नामक वर्चुअल करेंसी 10 वर्ष का हो गया है। बिटकॉइन की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो ये किसको जाता है श्रेय स्टूडेंट? ये जाता है सितोशी नाकामोतो को। किसको? सितोशी नाकामोतो को बिटकॉइन करेंसी का श्रेय जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ष 2018 का गिल्ट्स मैन पुरस्कार किसे दिया गया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ष 2018 का गिल्ट्स मैन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया मलाला यूसुफ़ज़ई को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मारपोल मानक का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवीएस बीआरटी के लिए, सीटेट पीआरटी के लिए, यूपीटेट पीआरटी के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ईवीएस का भी बनता है। हाल ही में खबरों में रहा मारपोल मानक का संबंध किससे है? वो है सामुद्रिक प्रदूषण से। किससे? सामुद्रिक प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देवी द्वारा नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में सुबह में दीपावली मनाई जाती है? तो देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, सुबह दीपावली मनाई जाती है। देखिए, देवी द्वारा नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में सुबह में दीपावली मनाई जाती है, जिसके आलोक में सर्वोच्च न्यायालय ने वहाँ सुबह में पटाखा जलाने की अनुमति दी है। तो देखिए, सुबह सुबह पटाखे नहीं जला सकते थे, पहले जलाते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि फेस्टिवल है वहाँ सुबह दीपावली मनाई जाती है। तो यह कौन सी स्टेट में मनाया जाता है यह त्यौहार? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में, जहाँ देवी द्वारा नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में सुबह सुबह दीपावली मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट बायोलॉजी में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार विश्व में बाघों की कितनी प्रजातियाँ शेष हैं? तो कितनी प्रजातियाँ शेष हैं? यह 6 प्रजातियाँ शेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ट्रेन 18 क्या है? वो है भारत की अत्याधुनिक रेलगाड़ी। कौन सी? भारत की अत्याधुनिक रेलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लोकायन 18 के तहत कौन सा भारतीय पोत 7 माह तक पूरे विश्व में भ्रमण किया? तो कौन से पोत ने पूरे 7 माह में पूरे विश्व का भ्रमण किया? तो INS तिरंगनी ने। किसने? INS तिरंगनी ने पूरे 7 माह में पूरे विश्व का भ्रमण किया लोकायन 18 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की लॉयन एयरक्राफ्ट विमान हादसे में 189 लोगों की मौत हो गई? किस देश की लॉयन एयरक्राफ्ट विमान हादसे में 189 लोगों की मौत हो गई? तो ये हुई थी इंडोनेशिया की। किसकी? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश में अपनी तरह का पहला अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम का शुभारंभ 29 अक्टूबर 2018 को किया? किस देश ने अपनी तरह का पहला अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम का शुभारंभ 29 अक्टूबर 2018 को किया? तो किसने किया था? ओडिशा ने। किसने किया था? ओडिशा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत व जापान के बीच 29 अक्टूबर 2018 को कितनी राशि की करेंसी स्वैप समझौता हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत व जापान के बीच 29 अक्टूबर 2018 को कितनी राशि की करेंसी स्वैप का समझौता हुआ? तो ये हुआ था $75 अरब का। कितना? $75 अरब का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सी बोट का वाणिज्यिक तौर पर प्रयोग करने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? टैक्सी बोट का वाणिज्यिक तौर पर
उपयोग करने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो वह है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस खाड़ी देश ने इसराइल का एक देश के रूप में पहली बार अस्तित्व स्वीकार किया? किस खाड़ी देश ने इसराइल का एक देश के रूप में पहली बार अस्तित्व स्वीकार किया? तो किसने किया था? ओमान ने। किसने? ओमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सर्दियों में विश्व में सर्वाधिक दूरी तक यात्रा करने वाले रैप्टर अमूर फॉल्कन नामक प्रवासी पक्षी के लिए उमरू गांव आकर्षण का केंद्र होता है। यह गांव किन राज्यों के बीच विवादित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, खासकर पीआरटी वालों के लिए। तो किसके बीच होता है? असम व मेघालय में। जिस प्रकार आपको पता है कि साइबेरिया जो सारस होते हैं वो कहाँ से आते हैं? साइबेरियन से आते हैं, और जो राजस्थान का घना पक्षी व्यवहार है वहाँ आकर रहते हैं। उसी प्रकार सर्दियों में विश्व में सर्वाधिक दूरी तय यात्रा करने वाला रैप्टर अमूर फॉल्कन नामक प्रवासी पक्षी उमरू गांव आकर्षण का केंद्र है। और ये उमरू गांव है कहाँ? ये असम और मेघालय के बीच है, वो विवादित स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के अनुसार निम्नलिखित में से किस जगह पर उत्सर्जन परीक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? तो किस जगह पर की गई है? CSIR नीरी पर। कहाँ? CSIR नीरी पर उत्सर्जन परीक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, विगत चार वर्षों में राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। तो कौन सा स्टूडेंट? ये है हमारा आंध्र प्रदेश, जिसने सर्वाधिक वृद्धि दर हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जगह पर देश के सबसे बड़े शुष्क गोदी की आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है कोची में, सबसे बड़े शुष्क गोदी की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2018 के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत खराब स्तर पर पहुंच गया था। वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने अंक को बहुत खराब माना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो चर्चा में रहा था, ठीक है। अक्टूबर 2018 के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत खराब स्तर पहुंच गया था। वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने अंक को बहुत खराब माना गया? तो ये माना गया 301 से लेकर 400 में अंक को बहुत खराब माना गया। 0 से 50 में बहुत अच्छा, 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 तक सामान्य, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब, और 401 से 501 को गंभीर श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, माइकल डी हिंगिस किस देश के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइकल डी हिंगिस किस देश के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं? तो किस देश के हुए हैं? ये हुए हैं आयरलैंड के। किसके? आयरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? जेल बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो ये हुए हैं स्टूडेंट ब्राजील के। किसके? ब्राजील के। नेक्स्ट है देश का प्रथम महिला मॉल जहां सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी किस देश में स्थापित किया जा रहा है? देश का प्रथम महिला मॉल जहां सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो ये कोझिकोड केरल में स्थापित किया जा रहा है। कहां? केरल में। ये थे हमारे स्टूडेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।